अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियट ऑन कराची से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, और उसमें लोगों को, ऐसे लोगों को जो जिन्होंने बुकिंग करवाई थी बड़ी होप्स के साथ, और उन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स भी पूरे टाइमली पे की, और वो मतलब इस उम्मीद पे कि उनको प्लॉट मिल जाएगा या विला मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात हुए, कुछ बैरिया का केस आपको पता ही है कि वो लैंड कर लग गया और बाद में मामला डिस्टर्ब हो गया, या आप कह लें कि बैरिया किसी भी वजह से उसको डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सका, और उसका जो मतलब इफ़ेक्ट है या जो उसका नुकसान है वो जो जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उन बेचारों को फेस करना पड़ रहा है। बड़ा ही मतलब मुझे ये इस बात पे अफसोस है, लेकिन मैं अब उस हवाले से अब उसका कोई जो भी मामला आता है, जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं की तरफ कोशिश करूंगा कि उनकी तरफ हम जाएं, और हम इसका कोई बेस्ट एवर सॉल्यूशन जो भी मतलब होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टीज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब आफ्टर एजुकेशन मैं 12 साल से आया हूँ, मैंने यही देखा है कि जो लोग ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं उनका सम टाइम ये है कि मार्केट अगर डाउन होती है तो वो नहीं निकलता, वो एटलीस्ट वो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो उसको मतलब उनको तसली होती है कि यार हमारे एक प्लॉट है वो हमने रखा हुआ है, उसमें 10% 15% या 20% प्राइस जो है वो डाउनफॉल है, अगर किसी ने बेचना है तो वो नुकसान करके बेच जाता है। अदरवाइज ये है कि 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद वो प्लॉट जो है अगर आपका कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको अच्छे पैसे छोड़ जाता है। लेकिन फाइल्स के केस में अनफॉर्चुनेटली ये लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई फाइल ख़रीदी है और डेवलपर की आप कह लें कि डेवलपर कैसा है, या डेवलपर के मतलब प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, या डेवलपर मतलब इसमें आपको किस हद तक, क्योंकि डेवलपर की आप सारी उस पर गुडविल पे होते हैं, तो बहुत सारे केसेस हैं। बैरिया भी सम टाइम मतलब कुछ लोग रह जाते हैं जो जिन लोगों को डिलीवरी नहीं मिल पाती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लॉ ऐसा नहीं है, अदरवाइज तो इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। आप एग्जांपल लेते हैं, DHA भी लेट कर जाता है, वो 5-5, 10-10 साल तक वो भी डिलीवरी नहीं दे पाता। फिर छोटी सोसाइटीज़ का हम नहीं कंपैरिजन करते, क्योंकि छोटी सोसाइटी हैं दर्जनों के हिसाब से, जिन्होंने लोगों का पैसा लिया आगे पीछे हो गए, बिन आलम है, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिरोजपुर सिटी आई थी, और फिर आपके वो जो इडन हाउसिंग वाले हैं वो भी मतलब अरबों खरबों रुपया लेके वो हो ही रफी चुके जाते हैं। तो बात यह है कि अगर सारी डिस्कशंस का मकसद ये है कि आप जब भी कभी प्रॉपर्टी लें तो कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड कोई सॉलिड किस्म की चीज़ हो, उसमें यह है कि आपको कम से कम पीस ऑफ माइंड होता है। अभी जो मतलब 23A के विलाज वाले लोग हैं, 23A में जिन्होंने विलाज बुक करवाए थे और उनके 23A के अंदर निकला है, और बाकी इसके अलावा जो है वो आपके स्पोर्ट सिटी के फैक्ट्रीज़ हैं, स्पोर्ट सिटी के जिन जिन मतलब प्रेशर्स के अंदर जो है वो अबव 40 या अराउंड मतलब 41-42, 43-44 जो भी लोग हैं जिन लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल सके, उनके पास जो है वो जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनमें से सबसे पहले तो रिफ़ंड का होता है। तो रिफ़ंड जो है वो मतलब रिफ़ंड के हवाले से भी बैरिया टाउन ने कोई पॉजिटिव फीडबैक या लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, और लोगों को इवन के जो आज से 8-9 माह पहले के चेक्स इशू हुए थे पोस्ट डेटर, 6-6 माह लोगों ने टाइम करने के बाद टाइम का वेट किया, और उस वेट करने के बाद भी जो है वो चेक बाउंस हो गया, और अभी भी वो अभी तक चेक क्लियर नहीं हो सके। और अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि बैरिया ने जो रिफ़ंड का काउंटर है उसको ही बंद कर दिया है, रिफ़ंड के अब नए जो केस हैं वो नहीं आ रहे। तो मकसद ये है कि रिफ़ंड वाली बात जो है ये पता नहीं कब मिलना है, क्या मिलना है, किस तरह से मिलना है, ठीक है। तो मतलब इवन के चेक भी जिन लोगों को इशू हुए थे उनके वो कैश नहीं हो सके, और वो बेचारे फिर से मतलब क्या क्या प्लान है, किसी हर बंदे का मुख्तलिफ प्लान है, किसी ने घर बनाना होता है, किसी ने बच्चों के लिए रखा होता है, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं लोगों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बुरी तरह से फंस चुकी हैं, स्ट्रक हो चुकी हैं। तो
रिफ़ंड के लिए बड़े मुख्तलिफ और मुश्किल से हालात हैं, क्योंकि बैरिया को अगर आप देखेंगे ना, तो बैरिया ने अभी ग्रीन्स लॉन्च किया है और बैरिया को फ्रेश कैश चाहिए। बैरिया ने आपको पता ही है कि बिलियंस के हिसाब से पेमेंट करना है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया था उसके मुताबिक। तो बैरिया आपको अपने हाथ से तो रिफ़ंड करेगा ही नहीं, ये सोचिए कि बड़े लिमिटेड से लोग होंगे, शायद 2-4-5% लोग हों इन्फ्लुएंस वाले जिनको रिफ़ंड मिल जाए, अदरवाइज़ ये लोग ऐसे ही बेचारे जो है ना वो दर बदर जो है वो तंग होते फिरेंगे। तो रिफ़ंड तो बहुत मुश्किल सी बात लग रही है मुझे। और दूसरी बात यह है कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड आ जाएँ। प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड आना भी इस वक्त जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री को आप देखते हैं, सेक्टर एफ को देखें, आवामी विलाद की फाइल्स अभी तक वो 10-12 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, लोग रुल रहे हैं सेक्टर एफ में, 6-7 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हाथ में आया, ठीक है। अभी भी लोगों के हाथ में फाइलें हैं और नॉन बैलेटेड हैं, और बैलेटेड भी हैं तो ऑन ग्राउंड नहीं है, तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है। वो बेचारे मतलब जिस बंदे ने 31 लाख की वो फाइल ली थी, वो आज भी उस हिसाब से वो 33-34 लाख की है, और जिस बंदे का मतलब प्लॉट निकल आया वो 70-75 लाख रुपये का या उससे भी ऊपर प्राइस है लोकेशन के हिसाब से। तो हमारा जो ये इसके मतलब जो दूसरा सलूशन बनता है इसका, कि या तो आप इसको मार्केट में बेच के कोई सॉलिड प्रॉपर्टी ले लें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है यार, अगर हाँ अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको लाजमी तौर पे इस वक्त इन फाइल्स का जो रेट है वो 45%-40% नेगेटिव में जा रहा है। अब 1 करोड़ रुपया किस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो लाजमी तौर पे उसको तो ठीक ठाक नुकसान हो जाना है, और कोई भी नहीं चाहता कि 5-4 साल वेट करने के बाद जो है वो आधी पेमेंट लेकर बैठ जाए। तो ये दूसरा जो सलूशन है ये भी मतलब कोई इतना अच्छा नहीं है। तो अभी हम आते हैं इसका तीसरा जो सलूशन होता है, तीसरी जो ऑप्शन होती है, ये स्पोर्ट सिटी के जो इफेक्टिव हैं या विलास के इफेक्टिव हैं या पैराडाइज के जो इफेक्टिव हैं, जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली प्लॉट्स की डिलीवरी नहीं मिल सकी उनके लिए हैं। तीसरा जो होता है उसमें आप जो है कोई अपना कमर्शियल प्लॉट ले लें और उसके अंदर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स की मद में जो है वो पेमेंट क्लियर कर दें। लेकिन क्योंकि लोग जो है इस वक्त ऑलरेडी घबराए हुए हैं, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट बैरियर के अंदर वो मतलब लोगों का अपना अपना माइंड सेट है। हालांकि अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं अच्छी लोकेशन का तो वो बेशक उसकी अभी मार्केट वैल्यू अच्छी ना हो, लेकिन लाजमी तौर पे ये है कि आप 2-4-6 माह के बाद, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक आपको पता ही है कि उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर एक एमनेस्टी पैकेज दिया हुआ है, बड़ा अच्छा पैकेज है, और इस पैकेज की वजह से आप शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि बिलियंस के हिसाब से जो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा आएगा और वो प्रॉपर्टीज को बेनिफिट मिलेगा जो ऑन ग्राउंड होंगी। फाइल्स वाले अनफॉर्चुनेटली फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी मतलब बहुत ज़्यादा मुराद दी गई हुई है, टैक्स की छूट है और सारे मामले आते हैं। तो जहाँ तक फिर इसकी जो लास्ट जो इसका सलूशन बनता है कि आप जो है वो आ जाएँ, मतलब फिर अगर आप कोई नया प्लॉट नहीं लेना चाह रहे या नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे ऑन ग्राउंड इंस्टॉलमेंट्स पे, तो आप फिर ऐसे करें कि आप प्राइवेट डेवलपर्स जो अच्छी साख के डेवलपर हों और जिन्होंने डिलीवर किया हो, और प्राइवेट डेवलपर डिलीवर करते हैं क्योंकि उनकी वो कारोबारी जो है ना वो अगर डिलीवर नहीं कर पाते तो उनकी कारोबारी मौत होती है। बैरिया के पास तो बहुत सी ऑप्शन होती है, बैरिया को अगर कोई 1000 बंदा छोड़ रहा है तो बैरिया के पास 5000 बंदा और नया आ जाता है, वो उनके जीवन में प्लॉट चाहिए। तो प्राइवेट किसी अच्छे साख के डेवलपर के साथ आप जो है वो कोई शॉप अपार्टमेंट किसी किस्म का ऑफिस या इवन के कुछ जो डेवलपर हैं वो विलास भी बना कर दे रहे हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि वो विलास जो अगर वो फाइल एडजस्ट करते हैं आपकी तो उस विला की मतलब जो डेफिनेटली क्योंकि आपकी नेगेटिव में फाइल ले रहे होते हैं तो वो आपको डील एक बनानी पड़ती है बैठकर। लेकिन जो मॉल्स बन रहे होते हैं, जो मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो क्योंकि उन्होंने बैरिया से जो डेवलपर होता है बिल्डर होता है उसने प्लॉट से इंस्टॉलमेंट्स पे लिया होता है, तो वो आपसे आपकी जो नेगेटिव वाली फाइल है वो आपसे पूरे पैसों में एडजस्ट करता है, उसका उसको नुकसान नहीं होता बल्कि वो उसको भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। उसको ये फ़ायदा हुआ है कि उसने आपका वो जो नेगेटिव में फाइल है वो आपसे बुरे बैलेंस में ले ली, और उसको वो नेगेटिव में इसलिए कॉस्ट नहीं करेगी कि उन्होंने पेमेंट करनी होती बैरिया टाउन को, तो वो वही फाइल जो आपसे नेगेटिव मिली है वो पूरे पैसों में आगे एडजस्ट करा देता है। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका नुकसान नहीं होता, और बिल्डर को फ़ायदा ये होता है कि उसकी एक जो है वो यूनिट जो है या उसकी प्रॉपर्टी जो है या
उसको क्लाइंट मिल गया, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। इसी हवाले से मतलब फाइल्स के हवाले से, प्लॉट्स, विलास या किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप के पास इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई डिस्काउंट चाहिए, लाजमी तौर पर डिस्काउंट मिल रहा होता है, बैरियर जॉब डिस्काउंट फाइल्स चल रही हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप मोहम्मद सलीम चौधरी को इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।